नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। आज इटारसी में ओबीसी महासभा संगठन की संभागीय मासिक बैठक रानी अवंतीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई। बैठक का उद्देश्य संगठन की रूपरेखा को तय करना था और ओबीसी समुदाय को एकजुट जागरूक करके संगठित करने की बात कही गई। सभी पदाधिकारी गण को नियुक्ति पत्र भी दिए गए और कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह, संभागीय अध्यक्ष नवीन वर्मा, होशंगाबाद जिला अध्यक्ष प्रवीण गौर की सहमति से जिला प्रभारी डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर होशंगाबाद, सिवनी, मालवा विधानसभा और इटारसी के नगर के पदाधिकारियों को भी नियुक्ति हुई। जिला होशंगाबाद विधानसभा से अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिरोही और उपाध्यक्ष महेश प्रसाद लोधा, महासचिव शशिकला रैकवार, महासचिव विक्रांत बड़कुल, कोषाध्यक्ष महेंद्र साहू और इटारसी नगर अध्यक्ष राजा प्रजापति, उपाध्यक्ष मनोज पटेल, महासचिव देवेंद्र चौरे, कोषाध्यक्ष मयूर मालवीय, सचिव गोपाल पटेल, नगर प्रवक्ता गिरीश पटेल, वार्ड अध्यक्ष सीसा गोस्वामी, सिवनी मालवा विधानसभा से अनूप सिंह, यदुवंशी अध्यक्ष लखन लाल यदुवंशी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। इस अवसर पर यशवंत सिंह मीणा, कन्हैयालाल रैकवार, जिला उपाध्यक्ष नवनीत मलैया, नीतू यादव सचिव, डॉक्टर शशि प्रभा वर्मा, कमलेश कुशवाहा आदि सभी वरिष्ठ ओबीसी महासभा के सदस्य उपस्थित थे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय महेंद्र सिंह लोधी जी, जो हमें ये बताएंगे कि आज इस बैठक का उद्देश्य क्या था। आज मैं भोपाल से आज होशंगाबाद आया और बैठक का उद्देश्य था संगठन को विस्तार करना, ओबीसी महासभा का विस्तार करना। अच्छा, आप ये बताइए कि जो अभी फरवरी 2021 में जो जनगणना हो रही है, उसमें ओबीसी महासभा का सरकार को क्या मैसेज देना है कि किस प्रकार से जनगणना को निर्धारित किया जाए? देखिए, ओबीसी महासभा पूरे 17 से 18 राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना होगी तभी ओबीसी समाज को, जिसकी संख्या लगभग 65% है, उसको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। किन किन क्षेत्रों में इससे फायदा होगा? देखिए, जो भी लोकतंत्र में है, चाहे मीडिया हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्राइवेट जगत हो, सभी जगह ओबीसी समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1931-32 में ओबीसी समाज की अंग्रेजों के समय आजादी की जनगणना हुई थी, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद भी ओबीसी समाज की जनगणना नहीं हुई। ये हमारे लिए, ओबीसी समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है और शर्माना चाहिए हम लोगों को कि गाय, भैंस, बकरी और पशु पक्षियों की भी गिनती होती है, लेकिन ओबीसी समाज की कोई गिनती नहीं होती। इसके लिए हम लगातार पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सभी जगह बैठकों का कर रहे हैं ताकि फरवरी में जाति की जनगणना हो और ओबीसी समाज की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। और नर्मदापुरम संभाग के ओबीसी समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही खुशहाल एरिया है, पर हमारा जो यहाँ का ओबीसी समाज है खासकर, इतना ज़्यादा गुलाम है यहाँ पे। देखिए, आप मैं बता सकता हूँ, गुर्जर हो, यादव हो, कुर्मी, काछी, यादव, लोधी, जितनी भी समाज हैं, सारी की सारी मनुवादी व्यवस्थाओं से लिप्त हैं। वो अपने हक अधिकारों की बात नहीं करते, संविधान की बात नहीं करते, अपने महापुरुषों की बात नहीं करते, इसलिए कभी भी अपने व्यक्तियों को संसद तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ना विधायकों को पहुंचा पाते हैं। यहाँ पे कई ऐसे एरिया हैं कि वो बाहुल हैं ओबीसी से, फिर भी वो अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए, ना विधायक बना पाए, ना वहाँ से जिला पंचायत बना पाए। इसलिए हमें संगठित होकर अपने समाज को ही सपोर्ट करना है, हमारे पूरे एसटीसी ओबीसी को मिलके अपने महापुरुषों को भी लेके आना है ताकि हम आगे बढ़ें और अपना एक रास्ता तैयार हो जिससे हम जीतें। धन्यवाद। आगे आने वाले जो चुनाव है, पंचायत और नगरी चुनाव, उसमें क्या भूमिका रहेगी ओबीसी महासभा की? ओबीसी महासभा की भूमिका है कि पूरे देश के अंदर, जैसा कि अन्य समाज करता है कि अगर यादव खड़ा है तो अब लोधी भी उसके साथ खड़ा होगा, अगर गुर्जर खड़ा है तो कुशवाहा भी उसके साथ खड़ा होगा, रैकवार खड़ा है तो प्रजापति, मतलब 3743 जातियां जो ओबीसी समाज की हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसी के लिए ओबीसी महासभा काम करती है। ओके, फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।